पिछली कहानी में आपने जाना था कि रिया रात के वक्त किचन में पानी पीने के लिए जाती है और वहां से जैसे ही वो अपने कमरे में आती है वो देखती है कि उस कमरे के अंदर उसकी अलमारी के पास कोई बैठा हुआ है। इसे देखकर वो बहुत डर जाती है। इसके बारे में वो अपनी माँ और पिता को भी बताती है लेकिन कोई भी उसकी इस बात पर विश्वास नहीं करता है और उसे झूठा साबित कर देता है। उसके बाद वो अपने छोटे भाई रुद्र को बताती है लेकिन रुद्र जो कि एक छोटा सा बच्चा था, लगभग उसकी 10 साल की एज होगी, उसने भी अपनी सिस्टर रिया से कहा कि हाँ तुमने मुझे जो बताया है वो मैंने पहले भी देखा है। जब से हम इस घर में आए हैं हमें कुछ ना कुछ अजीब यहाँ पर महसूस हो रहा है। तभी रिया उससे कहने लगी कि तू ही तो है एक जिसने मेरा विश्वास किया, वरना बड़ों ने तो मेरा विश्वास ही नहीं किया। अब इसकी खोज करने के लिए कि इस घर में ये चीज़ कहाँ से आई और कौन है ये, इन लोगों को क्यों परेशान कर रही है, ये सब हम इस कहानी में जानने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा, आपको कहानी में आनंद आएगा। मेरा नाम है आकाश और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। रिया और रुद्र अब एक प्लान बनाते हैं। रुद्र कहता है कि दीदी हम ऐसा क्यों नहीं करते कि इस मकान के आसपास जितने भी लोग रहते हैं उनसे अगर हम इस मकान के बारे में पूछें तो शायद हमें इसके बारे में कोई जानकारी ज़रूर मिल जाएगी कि आखिर इस मकान में ऐसा क्या था जिसकी वजह से हम लोग परेशान हैं, ऐसा क्या हुआ था इस मकान के साथ, ये कौन है और ये हमें क्यों परेशान कर रही है। ये सब जानने के लिए रिया सुबह उठती है और निकल जाती है इस घर के बारे में पता करने के लिए कि आखिर इस घर में कौन है जो उसे इतना डरा रहा है। अब रिया अपने घर के आसपास में जो उसके पड़ोसी थे उन सब से उस घर की पूछताछ करने लगती है और कहने लगती है कि जब हम इस मकान में आए तो इससे पहले इस मकान में कौन रहता था। कुछ लोगों ने इसके बारे में बताने से इनकार कर दिया और कुछ लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था। शाम का वक्त होता है, जब वो अपने घर वापस लौट रही थी उसी वक्त एक बूढ़ी दादी जो कि उसकी बातों को छिप छिप कर सुन रही थी उसने पीछे से उसे टोक कर कहा कि बेटी कहाँ जा रही हो और जिस मकान के बारे में तुम पूछ रही हो उसकी जानकारी मैं दे सकती हूँ। इतना सुनकर रिया खुश हो जाती है कि आखिर कोई तो है जो उसे इस मकान के अतीत के बारे में बताने वाला था। अब रिया उस बूढ़ी औरत के पास चली जाती है। बूढ़ी औरत उससे कहने लगती है कि जब तुम लोगों से पूछ रही थी तब मैंने तुम्हारी बात चुपके से सुन ली। इन लोगों को इसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं पता है क्योंकि ये लोग तो नए शिफ्ट हुए हैं। मैं यहाँ पर कई सालों से रह रही हूँ और मैं इस घर के बारे में, इसके अतीत के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। तभी रिया उसे अपने घर के बारे में और उसके साथ घटी घटनाओं के बारे में सब कुछ एक एक कर बता देती है। तभी वो बूढ़ी औरत उससे कहने लगती है कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है उसके बारे में मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है। बूढ़ी औरत कहने लगी कि कुछ साल पहले यहाँ पर एक फैमिली रहने के लिए आई थी, जैसे कि तुम लोग यहाँ पर रहने के लिए आए उसी तरह वो भी यहाँ पर रहने के लिए आए थे और उनके घर में भी उनका जो मुखिया है वो कंपनी में काम किया करता था, जैसे कि आपके डैडी काम करते हैं। उन लोगों को यहाँ पर आए हुए कुछ ही दिन हुए थे। उस घर में जो लेडीज थी उसके साथ मेरी गहरी मित्रता हो गई थी क्योंकि मेरा मकान उस मकान के पास ही है, तो हमारी दोस्ती अच्छी हो गई थी जिस वजह से
मैं हर रोज उससे मिलने के लिए उसके घर जाया करती थी। जब मैं एक दिन उसके घर पहुंची, तो उस दिन उसका पति उस औरत को मार रहा था और उससे कह रहा था कि वो इस मकान के पेपर पर अपने दस्तखत कर दे, और उसे उल्टा सीधा बोलता था। वो कहता था कि मैं तुझे छोड़ दूंगा अगर तूने इस पर दस्तखत नहीं किए, और वो उसे तलाक लेने के लिए फोर्स करता था। वो हमेशा ही उसे तंग किया करता था। उसकी औरत मुझे हर रोज़ उसके बारे में बताया करती थी कि वो उसे कितना टॉर्चर करता है। उसकी कहानी को सुनकर मुझे बड़ा दुख होता था कि आखिर लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनों पर ही इतना जुल्म करते हैं। उनकी एक लड़की थी जिसका नाम प्रिया था। प्रिया लगभग 15 साल की थी। वो इन सब बातों को सुन रही थी। उसे भी इन दोनों के बारे में पता था कि इन दोनों के बीच क्यों झगड़ा होता है। वो लड़की अपनी माँ से और अपने डैड से कहती थी कि तुम लोग ऐसे झगड़ा मत करो, और वो अपनी माँ से कहती थी कि माँ तुम इन कागज़ों पर दस्तखत मत करना, वरना ये आदमी हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। उस आदमी ने उस औरत के ज़बरदस्ती दस्तखत ले लिए, जिस वजह से प्रिया ने पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस आई और उसको ये सब बताया गया। पुलिस उस आदमी को पकड़कर जेल ले गई। तभी प्रिया और प्रिया की माँ वो दोनों भी वहाँ पर पहुँचे। तभी पुलिस वालों ने उन्हें समझाया कि अगर तुमने इसको मारना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए जेल में कैद कर दूँगा। तब तो प्रिया के डैड ने वहाँ पर पुलिस के सामने अपने सारे इल्ज़ाम कबूल कर लिए और कहा कि वो आज के बाद कभी भी अपनी वाइफ को टॉर्चर नहीं करेगा। लेकिन वो मानने वाला कहाँ था। उसके नाम उसकी प्रॉपर्टी हो गई थी, जिस वजह से जैसे ही वो घर आया उसने अपनी वाइफ को फिर से टॉर्चर किया और अपनी वाइफ को अनाथ आश्रम भेज दिया। लेकिन जो लड़की प्रिया थी वो इन सब के खिलाफ थी, जिस वजह से प्रिया के डैड को गुस्सा आ गया। उसने अपनी बेटी प्रिया को एक कमरे में कैद कर दिया। उसने कुछ दिनों तक उसे खाना पीना नहीं दिया, जिस वजह से उस लड़की की मौत हो गई। जिस वजह से उस लड़की की आत्मा आज भी उस कमरे में भटकती है। जिस अलमारी की तुम बात कर रही हो वो अलमारी उसी कमरे में थी जिस कमरे में तुम रह रही हो। तभी इतना सुनकर रिया उस बूढ़ी औरत से कहने लगी कि अब हम इस लड़की से अपना पीछा कैसे छुड़ाएं, क्योंकि वो तो यहाँ से जाने वाली नहीं है और वो हमें परेशान करती है और हमें उससे बहुत डर लगता है। तभी वो बूढ़ी औरत कहने लगी कि मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इन सब चीज़ों को भगाने के लिए वो बहुत प्रसिद्ध है। उसने कहा कि तुम उस तांत्रिक के पास जाओ और उसे लेकर यहाँ आओ, उससे इस घर में पूजा करवाओ। वो इस आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगा। रिया ने ऐसा ही किया। वो चुपके से घर वालों को बिना बताए ही उस तांत्रिक के पास पहुंच गई। उसको उसने अपने साथ घटी घटना को विस्तार से बता दिया। तांत्रिक समझ गया। वो तुरंत ही उसके घर आ गया। उस वक्त रिया के मॉम डैड घर पर नहीं थे। उसने उस तांत्रिक को घर पर बुलाकर पूजा करवाई, जिस वजह से वो आत्मा तांत्रिक की कैद में आ गई और तांत्रिक ने हमेशा हमेशा के लिए इस घर को प्रिया से मुक्त कर दिया, यानी कि प्रिया की आत्मा से। अब हमेशा हमेशा के लिए रिया का उस आत्मा से पीछा छूट गया था और वो अब सुकून से अपने घर में रह सकती थी। उस दिन से अब प्रिया को वो आत्मा कभी नहीं दिखी और ना ही कभी उसकी अलमारी से इतनी भयंकर बदबू आई, ना ही उसके कपड़े कभी ख़राब हुए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल की बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। इसके पहले वाले पार्ट को हमने अपलोड कर दिया है, आप अगर पहले वाले पार्ट को देखते हैं सुनते हैं तो आपको दूसरे वाले पार्ट को सुनने में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।